हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश और आप देख रहे हैं मिस्टर मोटो ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ रामपुर मार्केट का पूरा बाइक राइड करके। तो वीडियो में इन तक बने रहिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस अक्सर आती रहती हैं। तो अभी हम हैं भानपुर से रामपुर वाले रोड पर, जो मेरे गाँव से रोड आता है, और ये आगे जो है आगे राइट टर्न लेने पर रामपुर मार्केट हो जाता है। तो हम आपको मार्केट पूरा दिखाने वाले हैं, चलिए वीडियो एंजॉय करिए। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर आए हैं या नहीं ये भी बताइएगा। तो अभी जल्दी में बारिश हुई है जिसकी वजह से देख सकते हैं पूरा इधर मड्डी हो चुका है। ये देखिए यही से मार्केट शुरुआत से मार्केट का कंडीशन एकदम ख़राब हो चुका है। बारिश के बाद एकदम रोड का हालत ख़राब है, देखिए कितना ज़्यादा इधर कीचड़ हो चुका है, क्योंकि पानी जो बारिश हुआ है वो पूरा इधर ये निकलने का कहीं रास्ता है नहीं, तो ये प्रॉब्लम करता है यहाँ पर। वैसे यहाँ का हम लोग दो तीन बार वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो सबसे बेकार कंडीशन लग रहा है वो अभी का ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे न आने का रास्ता से न जाने का। आपको इस मार्केट में लगभग हर एक चीज़ मिल जाएगा जिस तरह जैसा आप जाइए। और इसी तरह देखिए यहाँ पे झोला हम लोग लिए हैं अपना बैग, और हमको सामान भी लेना है कुछ, इसीलिए निकले हैं। कुछ साथ में सोचे ब्लॉगिंग भी हो जाएगा अपना। वैसे जो हमको लेना है इधर तो मिलेगा नहीं, इधर हमें दूसरे रास्ते जाना है, लेकिन ये मार्केट जो हमको कवर करना था बस इसीलिए हम इधर आए हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पे सफाई करने वाले नगर पालिका जो हैं ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन क्या है रोड ही ख़राब है, तो उनका क्या मिस्टेक है, पूरा रास्ता ही ख़राब है। ये तो बस जैसे यहाँ पर कूड़ा रखा गया ये उठा लेंगे, अब यहाँ पर जो रोड है रोड साफ़ सफाई नहीं है, कीचड़ है, तो उसका उनका गलती थोड़ी नहीं है। यही सब है, बाकी आप कहाँ के रहने वाले हैं कमेंट कर बताइएगा। वैसे आप आपको बता दें यहाँ पे जैसे कि इधर कपड़ा की दुकान है और भी आगे सब्जी मंडी है, यही सब है। आप काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन यही है कि इधर थोड़ा जैसे रूरल एरिया टाइप में होता है ना, इसी वजह से यहाँ प्रॉब्लम है। जौनपुर जिले में जो है आपको रोड का प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलेगा, जितना भी सरकारी काम है वो पीछे ही है। इससे रिलेटेड हम जल्दी ऐसा वीडियो लाएंगे जो पूरा एक्सपोज करेगा सभी सरकारी कामों को, सभी सरकारी परियोजनाओं को जो भी हो रहा है ना, पूरा एक्सपोज करेंगे एक वीडियो में बहुत ही जल्द, तो वेट करिएगा। वीडियो काफ़ी थोड़ा मतलब अलग होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, देखिए यही सब है कलाकारी, ना आने की जगह ना जाने की जगह, ऊपर से नीचे लगा अभी कोई बड़ी गाड़ी आ गई, इसके अलावा एक भी कोई कार आ गई इधर मान लीजिए से आती नहीं जल्दी, हो गई प्रॉब्लम। सामने वाले जो भाई साहब चल रहे हैं उनके बाइक में हवा कम है, एक बार इन्फॉर्म कर लें देखिए आगे ट्रक लगा हुआ है जाम, इसी वजह से हमें लग रहा है वो काफ़ी अगर आगे चलेंगे चलते हैं। यही सब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो यहाँ का बनाया है लेकिन कभी चला नहीं, केवल एक ही वीडियो अभी चल रहा है रामपुर मार्केट का। तो इसको बना रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से एडवांस वीडियो थोड़ा इसको ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, तो और भी एक बार कवर करेंगे। तो यहाँ से कि अब सब्जी मंडी शुरू है, देखिए सब्जी मंडी यहाँ पे होल सेल में मिलता है आपको।
चलिए अब यहाँ से हम लोग चांद भैया जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो रामपुर मार्केट का पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस अक्सर हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो देखिए रामपुर थाना है, थाना रामपुर देखिए यहाँ पे, और यही वो थाना है जहाँ पर बारिश होने पर पानी भर जाता है तो लोग बाहर खड़े रहते हैं। तो यही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।